हम आपको पालक से नाश्ता बनाकर दिखाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपके लिए पालक का नाश्ता लाए हैं। आज हम पालक का नाश्ता बनाकर दिखाएंगे आपको। ये हमने 100 ग्राम पालक ले लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है और हम इसे धो लेंगे पानी से। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है ये। इसे आप बारीक बारीक कट कर लेंगे। देखिए हमने अपने पालक को धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है दो पानी से। अब हमने ये सब्जियां डालेंगे। हमने दो टमाटर ले लिए हैं, एक गाजर ले ली है कद्दूकस करके, हरी मिर्च ले ली है हमने और अदरक ले लिया है। हम प्याज को स्किप कर रहे हैं, आप डालना चाहे डाल सकते हैं और सब्जियां भी डाल सकते हैं आप। और हम इसमें डाल लेंगे इनको भी। ये हमने बारीक धनिया काट कर लिया है, धो लिया है इसको हमने, ये भी इसमें डाल देंगे हम। देखिए अब हम एक कटोरी इसमें बेसन डाल देंगे। अब एक कटोरी सूजी डाल देंगे इसमें, ये हमने छान कर रख रखी है पहले से ही। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप मिक्सी में ग्राइंडर कर सकते हैं, अगर बारीक है तो ऐसे ही डाल सकते हैं। हमने मसाले डालेंगे, आधी चम्मच से कम हम जीरा डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप मिर्च डाल सकते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, नमक डाल देंगे। आप थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम इसमें, आधी चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे टेस्ट के लिए। काली मिर्च डाल देंगे हम टेस्ट के लिए अनुसार। एक पिंच गरम मसाला डाल देंगे हम। आप जिसने हल्का टेस्ट करना है, ज़्यादा मिर्च मसाले कम करने कम कर सकते हैं, ज़्यादा करने ज़्यादा कर सकते हैं बच्चों के अनुसार। अगर बच्चे आपके कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। हम इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे, पहले बिना पानी के ही मिक्स करेंगे। हम हाथ से ही मलेंगे, मसलेंगे इसे क्योंकि पालक में पानी बहुत होता है। हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, चम्मच से नहीं होने का ये। हमने इसे अच्छी तरह हाथ से मसल के रख देंगे अभी। अब हम एक आलू और लेंगे, हमने एक आलू ले लिया है, इसे छील लिया है और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमने बारीक कस कर लिया है, अब इसे पानी से वॉश करेंगे अच्छी तरह से, इसका स्टार्च निकल जाएगा। देखिए इसमें कितना वो निकला है, लाल लाल पानी, ये हम सब निकाल लेंगे। देखो बिल्कुल वाइट आलू हो गए हमारे, देखो हमें बारीक कद्दूकस करना है। देखिए हमारा लच्छा कितना बारीक आया है और हम इसे उसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें तो मिक्स कर लेंगे हम, ये आलू को अपने कस को इसमें डाल देंगे और हम सबको मिक्स कर लेंगे। देखो कितना अच्छा बैटर तैयार हो गया हमारा। और इसे पतला करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमने बिल्कुल बैटर अपना तैयार कर लिया है, इतना पतला बैटर रखना है हमें चीले बनाने के लिए। अब हम अपना तवा रखेंगे, गैस चालू कर दिए, हल्का सा ऑयल डाल देंगे तवे पे और उसका बैटर डालेंगे अपना। अपने बैटर को एक चमचा बैटर ले लेंगे और उस तरह से फैलाएंगे। जरा सा ऑयल डाल देंगे, बहुत जल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अब देखिए इसे हम पलट लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर का तैयार हो गया है हमारा। उसी उधर से भी इसी तरह सेक लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर हो गया है, सीख गया है। देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल लाल हो गया है और हम इसे उतार लेंगे। इस तरह से दूसरा डालेंगे हम, डाल के हम दूसरा चीला भी इसी तरह से डाल लेंगे।
आप इन्हें बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और आप चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और हेल्दी भी बहुत है। देखिए कितना गोल्डन ब्राउन सीख गया है, कितना लाल सीखा अभी। हमने दूसरा भी इसी तरह से डाल दिया है, इसे भी हम इस तरह सेक लेंगे। देखिए हम दोनों तरह से पलट देंगे। देखिए एकदम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सीख गया है। दो चीले हमारे कितने अच्छे तैयार हो गए हैं और इसी तरह से सारे चीले सेक लेंगे हम। देखिए हमारे पालक के चीले कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। बच्चे पालक बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इस तरह से बना कर खिलाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। आप टिफिन में लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप रात को ही तैयार करके रखें अपना सामान तो आपको सुबह बहुत जल्दी बन जाएंगे, आपके बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितने टेस्टी बने हैं और देखिए कितने लाल लाल बिल्कुल बढ़िया बने हैं हमारे, बिल्कुल गर्म गर्म बढ़िया बने हैं। आप इन्हें दही के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे तो। आप ये हमें टमाटो सॉस घर में बनाइए, इसकी वीडियो हमने लिंक में डाल रखी है, आप खोल कर देख सकते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे हो हमारे चीले तो आप इसी तरह से बनाइए और खाइएगा, सबको खिलाइएगा। हमारी वीडियो शेयर, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।